भस्त्रिका और कपाल भाति साथ साथ चल रहा है, लंबे श्वास ले रहे हैं। इससे सहज और व्यायाम का दूसरा तरीका नहीं हो सकता। कीजिए सब लंबे लंबे श्वास।
Thank you.
अम्मा सीताराम 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 Thank you.
पाए तो पवन मुक्त आसन और सेतु बहुत ही लंबा था। और इसमें देखो खाली आसन नहीं हो रहा है, आसन भी हो रहा है, व्यायाम भी हो रहा है, प्राणायाम भी हो रहा है, ध्यान भी हो रहा है, सत्संग स्वाध्याय भी हो रहा है, आत्मचिंतन भी हो रहा है, आत्ममिलन भी हो रहा है, प्रभु मिलन भी हो रहा है और आत्मीय मिलन भी हो रहा है। योग करते हैं सब सात्विक दिव्य आत्माएं हैं, मैं बार बार कहता हूँ योग करना और कराना हमारा परम धर्म है। आप पवन मुक्तासन और सेतु बंध तो लंबा कर ही सकते हैं। पवन मुक्तासन में कपाल भाती और बाह्य प्राणायाम भी हो जाता है। का कपाल भाति बाह्य प्राणायाम त्रिबंध मूल बंध उद्यान बंध कारण और मन ही मन ओंकार का ध्यान करना है। तो एक अनुष्ठान सीधे लेट के मरकट आसन, अर्ध पवन मुक्त आसन, एक पाद मुक्त आसन, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड और जो मैं कर रहा हूँ योगा फॉर ऑल, योगा फॉर ऑल फ्री फॉर ऑल इंटीग्रेटेड योगा है। पवन मुक्तासन कीजिए, एक छोटा सा वंदन और
Thank you.
वक्रासन देखो, ये वक्रासन तो कितना सरल है। और फ्लेक्सिबिलिटी हो तो ये भी कर लो। जय श्री राम। बालाजी धाम से कम न हो ये सब, भाई हनुमान जी भी हैं, बालाजी भी हैं, सब है। तो साथ में कितने प्रकार के संत हैं, योग के नाम को लेकर के हमें आगे
करेंगे फिर वो जीवन में कर्मयुक्त
स्वधर्म का, वो वेद धर्म का, वो अपने पति धर्म का, पत्नी धर्म का, मातृ पितृ धर्म का, संतति धर्म का, परिवार धर्म का, वो अपने सनातन धर्म का, वेद धर्म का, सेवा धर्म का, कर्तव्य धर्म का, राष्ट्र धर्म का, कृषि धर्म का, जो कर रहे हैं वो जो हमारा कर्म है वही हमारा धर्म है। जो योग धर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, जो योग निष्ठा में चेतना में प्रतिष्ठित हो जाएगा, वो आत्म चेतना से, वो गुरु चेतना से, ऋषि चेतना से, वेद चेतना से, सत्य चेतना से, शास्त्र चेतना से। अब इसको धर्म बोले तो वो योग धर्म में निष्णात हो जाएगा, योग धर्म में प्रवृत्त हो जाएगा।
प्राणम तमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय सर्वार्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागः शान्तिः वैष्णवम् दया भूतेषु लोलुप्तमार्वं वीरता फलं तेजः क्षमा शौचम् अद्रोणादिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत और जो इधर की अम्मा नवत कार्य है का नवत कार्य है का पीडी भैया मोर फोन करी कहे कि अम्मा ने उठा कर ही सबका तब मैं दौड़ा दौड़ा था हो नहीं माओ गुना करते हो आज है जय श्री राम हाल चाल अरे यार रजिस्टर का बात रहे तो मैं पूछा तेरा हो कि रजिस्टर जरूरी है का रजिस्टर जरूरी है मैं परस्ते कहीं कोई जरूरी नहीं बोले जरूरी हो तो लिए जाओ ना जरूरी हो तो रख दू तो बोले हो गया ठीक है रखो छुपाई के हाँ हो गया तो लिख लिए है वो हाँ गुरु भगवान के आशीषों से अपने आप को भरा है ये तो बहुत बड़ा काम किया है और इन बहनों के साथ साथ हमारी देवता का सुग्रीव को बोल देते ले आएगा है वो कभी ही ना खा पाएगा भाई दीदी ये नहीं है सो बोलो एक पैकेट धनिया ले आओ बड़ी मिक्स वाली मैं देख रहा था अभी आ रहा था ना तो मैं सोचा पतंजलि खुली है कि अज्जू भैया की खुली कोई नहीं खुला था नहीं मैं देखा कि आया हूँ दोनों दुकान क्योंकि मैं सोने की कहाँ से निकला दिमाग में मेरे आज आज लेट जा रहा हूँ तो आज देख लेता हूँ आज लिए जा रहा हूँ दलिया तो दोनों बंद थी अज्जू सुग्रीव मैं आज ले आता मैं क्योंकि आज ऐसा टाइम था नुकसान मजाक कर रहा था का मैं आप लोग सब पहले जा रहे हो यहाँ मैं जब बता रहा हूँ कि नुकसान करेगी वो 12 बजे के बाद खाना खाने के बाद प्रबोध लेते सनो तो भैया अभी नाक कान दावा ताल थे देख ला है ऊपर ऊपर है दीपक या तो दलिया या फिर वो नमक वाला ओट्स जो बनता है नमक वाला वो बहुत अच्छा होता है अरे ओम भैया ओम अरे आपको याद कर रहे हैं यहाँ पे सब कोई बोल रहे हैं साहू जी नहीं आए सुप्रीम भाई नहीं आए थोड़ी दलिया वलिया ले आते तो दलिया खिला देते आज दलिया खिला देते बोल रहे हैं हाँ तो सर्दी जुकाम रोज अब भी पेल लिया सकारे सकारे मैं दवा उतरा तुम्हें तो है दवाई लेके आ एक पैकेट सुनो एक पैकेट मिक्स वाली दलिया भैया बात सुना ले सुनो एक पैकेट मिक्स वाली दलिया और एक पैकेट नमक वाला ओट्स लेके आ जाओ स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा अरे आओ तो आप स्वास्थ्य सही कर देंगे कश्यतिनान्तरात्
दीपक नहीं आ रहा है। ना भैया सुग्रीम एक किलो गुड़ ना लाया था सुग्रीम भैया। हाँ मैं नहीं तो आप साइलेंट रहे ना बताएगा तुम साफ सुनूंगा आधार सेंटर से लिंक है ना मोहल्ला आप बराबर आओ आपका है आपका भगवान अगर भगवान थोड़ा सा देखो ऐसे अनुरोध बच्चों को युवाओं के लिए
कहा चल रहा है नहीं आप बताए शाम को नहीं कब है बीमार बीमार और खाली भी नहीं सका रहे नुकसान नहीं करे नुकसान नहीं करे वहीं पर हम करें कहाँ उठत नहीं बोले कहाँ उठत नहीं बोले तो दूसरे का दवाई खबाई तो कहाँ उठ गया है ऐसा उठा कि सच बना कोई से पापा आ रहा है या तो नाक की जो है नहीं आज मैं 100% मूड में था कि आज मैं लेके जाऊंगा लेकिन दुकान ही बंद हो गई नहीं बल्कि तो खुल जाती थी अजीत सोनी की वो जल्दी खोल लेते थे या सुनी सोनी की आज खुलवा नहीं लगा था नहीं यार अच्छा हिमाय बात सही है नहीं अभी एक समय जल्दी खुल जाती थी भूख लगी थी तो खाई दो लीवर फट गया भैया लीवर फट गया लीवर लोवर तुमको सही लेना होती है लोवर ज्यादा लेकर जरूरी में गीला आता होता है लकड़ी को तो बेटी को मैं सिखाओ नहीं होती है तीन से चार दिन लेबर फटी होता फ्लेक्सिबल वाला आप करते नहीं हो ना बटरफ्लाई करो बटरफ्लाई 10 दिन कर लेना फिर बता देना सिलाई उखड़ जाएगी नहीं कुछ नहीं होगा अरे मगर हाँ ऐसे करते रहो 10 दिन उखड़ जाएगी सिलाई लिख के रख लो आप 10 दिन कर लो लगातार फिर बता रहे हल्का हल्का खिंचाव आ जाएगा ये लोग ही सीख रहे थे ये भी तो फैसले कपड़े में ही लपक दवाई डाल के यार कौन सी है लंबी जारी बांध में वैसे नए नए तरीके निकाल रहे थे ये तरीका तो स्वामी जी के पास भी जाना चाहिए ये तरीका स्वामी जी के पास भी जाना चाहिए कौन सा पतंजलि में भी जाना चाहिए ये तरीका दवाई डाल बोले जिसके नाम जा मैं रुमाल वाले रुमाल में दवाई डालो करो
कल बनेगी कल नए चावल की खिचड़ी बनाई है दीपक। हाँ नए चावल की तो कहाँ मिलेगा आप तो मार्केट मिल सकता है। हाँ मिल जाएगा तो मतलब नए चावल बेहतरीन पड़े ना। हाँ तो ठीक है ना बढ़िया खिचड़ी बनाई उसमें कुछ नहीं मिला जाए नमक चावल शांत नए चावल थोड़ा 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 खाए ना तो कल लाएंगे भैया कल मैं चावल तुम कल ही ले आऊँ इधर आए कल ही दरबार कल ही आई चावल ही आई अब एक किलो बहुत ही कम से कम दो किलो चावल है गुड़ अरे एक किलो गुड़ गुड़ डाल के बनवा लेंगे गुड़ वाली बना ठीक है पतंजलि का गुड़ नमक वाली बनाओ मजा आए नमक वाली नमक गुड़ दोनों बनवा लें एक किलो गुड़ वाली एक किलो नमक वाली दो किलो में मस्त हो जाएगी एक किलो गुड़ लग जाएगा बस खिला दो नमक वाला ओट्स मजा आ जाएगा तो कल आते कल का संतोष भैया बनकर मेरे से गाड़ी थोड़ी ही भैया का फोन लगा बड़े भैया का फोन लगा गाड़ी थोड़ी लगा Thank you.
Thank you.
ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धनात् मृत्युर्मोचीयमामृतात् पश्यतु मा सतिगमय तं सुमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ देव शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधया शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।